ये है इंडिया की सबसे ज़्यादा सेफ सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करें तो टियागो जैसी यहां पर आपको ग्रिल मिल जाती है। ग्रिल के सेंटर में आपको टाटा का 3D में लोगो और ऊपर में आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग देखने को मिलती है और नीचे में आपको क्रोम का स्ट्रिप मिल जाती है जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। ड्यूअल चैम्बर प्रोजेक्टर हेडलैम्प का यहाँ पर आपको सेटअप मिल जाता है। इंडिकेटर इसमें आपको नॉर्मल बल्ब वाले मिल जाते हैं जो कि हेडलाइट के साथ में ही अटैच हैं। बाकी नीचे में आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं और डुअल टोन बॉडी कलर का यहाँ पर आपको बम्पर मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसके बोनट के नीचे की साइड में देखें तो प्रॉपर वे में यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाती है और बाकी इंजन की तरफ चलें तो इसमें आपको एमरॉन की बैटरी मिलती है और जैसा कि ये आई टर्बो वाला वेरियंट है तो इसमें आपको टर्बो चार्जर यहाँ पर दिया गया है। बाकी इसमें आपको 1199 cc का 1.2 लीटर का आई टर्बो 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है। 108 bhp की पावर मिलती है और 140 Nm का टॉर्क मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में इसकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार दी गई है और ऊपर में आपको एक एंटीना मिल जाता है। 2 यहाँ पर आपको वाइपर मिलते हैं। इस गाड़ी के फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती हैं। बाकी 16 इंच के यहाँ पर आपको व्हील मिल जाते हैं जिसमें टाटा का लोगो और इसके साथ ही MRF के टायर मिलते हैं जो कि 195/55 सेक्शन के दिए गए हैं। 165-70 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और फेंडर के सेंटर में आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया। बाकी यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग और क्रोम ट्रीटमेंट के साथ इसके ORVM मिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। बाकी नीचे की जो स्ट्रिप है वो आपको पूरी की पूरी ब्लैक पियानो फिनिशिंग में मिलती है। बी पिलर इसका ब्लैकआउट मिलता है। ऊपर की जो सनरूफ है वो भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दी गई है दोस्तों। बाकी पीछे वाली जो विंडो हैं उनको आप ऊपर की साइड से खोल सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ। तो पीछे की साइड में आपको ऊपर की तरफ एक ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ स्पॉइलर मिल जाता है जिसके सेंटर में आपको हाई माउंट LED स्टॉप लैंप और यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलता है। नीचे में आपको एक वाइपर भी मिल जाता है वाटर वॉशर के साथ साथ और यहाँ पर आपको मिलता है टाटा का लोगो और रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है और एल्ट्रोज की 3D क्रोम के साथ बैजिंग मिल जाती है और बाकी यहाँ पर आपको फुली ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है। इस गाड़ी की जो टेललाइट सेक्शन है वो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी टाटा हैरियर जैसी लुक में देखने को मिल जाती है। बाकी नीचे वाले बम्पर के ऊपर में आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर आपको ब्रेक लैंप मिलती है। यहाँ पर आई टर्बो की बैजिंग मिलती है। तो अब हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो ऊपर में आपको रियर पार्सल ट्रे मिल जाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत सामान कैरी कर सकते हैं। 345 लीटर का 345 लीटर का यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है छोटी फैमिली के लिए दोस्तों। इसके सेकंड रो इंटीरियर की बात करें तो मेटल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपको इनसाइड डोर हैंडल मिलते हैं। यहाँ पर रियर की पावर विंडो मिल जाती है। यहाँ पर सॉफ्ट टच का मटेरियल और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है बॉटल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर स्पीकर और केबिन स्पेस भी इसमें आपको पीछे की तरफ काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सीट कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की सीट मिल जाती है जिसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और सेंटर में आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है। बाकी USB चार्जर और AC के वेंट आपको पीछे में भी दिए गए हैं। इसके फर्स्ट रो इंटीरियर के जो इनसाइड डोर हैंडल हैं वो भी यहाँ पर आपको स्टील मेटल फिनिशिंग के मिलते हैं। यहाँ पर आपको ORVM के कंट्रोल का बटन मिल जाता है। यहीं से आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली तरीके से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। 4 पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच और यहाँ पर आपको हार्ड टच का मटेरियल मिलता है। यहाँ पर स्पीकर। सीट हाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो इस गाड़ी में आपको सीट हाइट को एडजस्टमेंट करने का यहाँ पर एक हुक दिया गया है। इसी से आप इसकी हाइट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी जो सीट है वो काफ़ी प्रीमियम मिल जाती है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। इसके साथ ही नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है फ्यूल लीड ओपनर और यहाँ पर 3 पैडल दिए गए। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको मिलती है टिल्ट में, टाटा का लोगो, एयरबैग और यहाँ पर स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। राइट में आपको मिलता है हेडलाइट के कंट्रोल और लेफ्ट में आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल। 17.78 cm का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है और यहाँ पर रियल टाइम माइलेज दिखा रहा है और इसके साथ ही ऊपर में RPM मीटर, इंजन हीटिंग टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है। बाकी माइलेज की बात करें तो 18
किलोमीटर प्रति लीटर का इसमें आपको 1 लीटर में माइलेज मिलता है और हाईवे पर भी ये गाड़ी आपको काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल कर दे देती है दोस्तों। इसके साथ ही की यहाँ पर आपको मिल जाती है जो कि वियरेबल है, जिसको आप आसानी से हाथ में पहन के भी आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक वॉच के टाइप की दी गई है दोस्तों। इस गाड़ी का जो ऊपर का जो बाहर वाला डैशबोर्ड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल जाता है। यहाँ पर आपको एसी का वेंट और इसमें आपको हरमन का इंफोटेनमेंट म्यूजिक सिस्टम का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आपको हैजार्ड का स्विच और एसी के वेंट मिल जाते हैं। एल्ट्रोज की बैजिंग और ब्लू कलर की लाइट इसके इंटीरियर में आपको देखने को मिलती है, जो कि नाइट में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी। यहाँ पर आपको एसी के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट और यूएसबी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ भी आपको फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक बटन मिलती है और यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट के अंदर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अपने पर्स वगैरह या फिर अपने पर्सनल सामान को कैरी कर सकते हैं। ये है सनवाइजर विद वैनिटी मिरर और यहाँ पर आपको मिलता है सनग्लास होल्डर और यहाँ पर बूट लैंप मिल जाती है। वॉइस असिस्ट का इसमें आपको फीचर भी मिलता है। तो अब प्राइस की बात करें तो टाटा एल्ट्रोज एक्स जेड प्लस आई टर्बो पेट्रोल टॉप मॉडल मैनुअल की एक्सोरूम कीमत है 9,24,900 रुपये और इसकी ऑन रोड कीमत है 15 साल टैक्स देने के बाद 10,66,652 रुपये और एल्ट्रोज एक्स ई बेस मॉडल पेट्रोल में ऑन रोड कीमत है 6,29,900 रुपये, ऑन रोड कीमत है 7,33,000 रुपये, जो कि मैंने आपको बताई है टीसी मोटर्स टाटा शोरूम चिनार पार्क कोलकाता की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव एमटीआर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।